नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिएटिव टॉक विद चिंटू चैट एवरीडे। और दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है। आज प्रपोज डे है और आज इस प्रपोज डे पे मैं आपसे कुछ ऐसी बातें ज़रूर करूंगा कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तूफान नया आए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करें, तो दोस्त मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपको वो बताने वाला नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि लाइफ में जो चीज़ आप चाहेंगे और अगर आप उसे कमिटमेंट के साथ उसे मानेंगे कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो वो आपको मिलने का चांसेस बढ़ता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारी की सारी मिल जाते हैं, लेकिन अपने अपने अनुभव को ही देखिए, दूसरे के अनुभव की बातें ना करें। पिछले कई सालों का आपका जो अनुभव है कि आप 10 चीज़ों में से आपके पास 3 से 4 चीज़ें आपको आज वो मिल चुका है, जो भी आप ख्वाब देखें, जो भी आप चाहें। सारी की सारी तो नहीं मिलती है, या हो सकता है वो भी मिलेगी, थोड़ा वक्त लगेगा, शायद अभी तक आप उस काबिल नहीं हैं इसलिए शायद वो अभी आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन आप गौर से देखिएगा, 10 में से 3 से 4 आपको मिल जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर ये फार्मूला सही है तो क्यों ना अपने 10 कमिटमेंट्स, अपने 10 गोल्स को बनाएं, और उन 10 गोल्स को ऐसे, 10ों गोल ऐसे हों कि अगर उसमें से एक भी हिट हो गया तो आपका ज़िंदगी का दशा और दिशा दोनों बदल गया। हम लोग अक्सर गलती क्या करते हैं कि हम 10 गोल तो बनाते हैं, लेकिन 10वां गोल बहुत बड़ा होता है और पहला गोल इतना छोटा होता है कि अगर वो हिट भी हो गया तो आपके ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, मेरा आपसे कहना है, आज प्रपोज डे के दिन आप 10 प्रपोज़ल अपने लाइफ का बनाइए और वो 10ों दमदार हो कि अगर उसमें से एक भी हिट हो गया तो आपकी ज़िंदगी की दशा और दिशा बदल जाए। तो मैं आप सबसे ये उम्मीद रखूँगा कि आज आप लाइफ में कुछ प्रपोज़ करें, अपने सपनों को प्रपोज़ करें कि वो आपका हो। तो मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा कि आज आप अपने सपनों को प्रपोज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपके कमेंट्स के इंतज़ार में हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।